नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों इंसान से इच्छाधारी नागिन बनने वाले जिस वीडियो को देखा, गाइस मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कुछ इस तरह का दोस्तों वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया है, तो वीडियो का आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार सोच क्या रहे हो, वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारी एक लाइक की वजह से तुम्हारे भाई में वीडियो बनाने का एनर्जी भर भर के आता है। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि गाइस और भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक्टिंग कर लेनी होगी। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, 8 से 9 सेकंड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर खाली बैकग्राउंड का आपको रख लेनी होगी। जिस तरह से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरे वीडियो के एंड में खाली बैकग्राउंड का है मेरा, आप भी कुछ इसी तरह से रख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको बस आपको ओपन करना होगा। तो यार चलिए अपने काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब दोस्तों आपको जो बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह के 3 एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आपको जो एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको राइट साइड में यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस बारे मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए उस वाले वीडियो का आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो के ऑडियो को आप कुछ इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपका अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद गाइस आप जहाँ फ्रेंड्स आप अपना कुछ हाथ को लेकर कुछ इस तरह सर को झुका रहे हो, कुछ इस तरह से गाइस आप इस जगह पर आइएगा। इस जगह पर आने के बाद दोस्तों आपको जो बॉक्स दिख रहा होगा, इस वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करेंगे इस जगह का फोटो फ्रेंड्स आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह क्लिक करना होगा। ऊपर में दोस्तों जो सीजर का ऑप्शन है, इस वाले सीजर में क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने वीडियो को डिवाइड कर देना होगा। कुछ इस तरह से डिवाइड कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, जैसा दोस्तों मैंने आपको कहा है कि आपके वीडियो में गाइस कुछ इस तरह का लास्ट में आपको एंटर में रखना होगा खाली बैकग्राउंड को। तो गाइस आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से गाइस इतना दूर से बाकी का दोस्तों जो आगे का हिस्सा है उसको फ्रेंड्स आपको अपने वीडियो से हटा लेना है। कुछ इस तरह से हटा लेने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। यहाँ पर गाइस मैंने remove.bg का दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है उसको दे के रखा है, आपको दोस्तों उस वाले वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा। तो यार चलिए अपने remove.bg को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो remove.bg का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना होगा दोस्तों, और यहाँ से गाइस जो फाइल आपने अभी अभी आप खाली बैकग्राउंड का दोस्तों कैप्चर किए हो उस वाले फोटो गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो फोटो है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों मुझे उस जगह का दोस्तों तुरंत यहाँ पर देख सकते हैं जो मुझे PNG है मेरा मिल चुका है। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल करके आना होगा, और आने के बाद गाइस आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस वाले डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना PNG को आपको गैलरी में सेव कर लेना होगा। सेव कर लेने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, फिर से अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिएगा। तो यार चलिए अपने काइन मास्टर में चलते हैं, मैं जाकर वहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैं वापस अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर में आ चुका हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपने जो PNG गाइस अभी अभी आप सेव किए हो उस वाले PNG को गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा PNG है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से गाइस इसको फुल स्क्रीन में आपको कर देना होगा। कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको दोस्तों जो की दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले की में आप क्लिक कीजिएगा एक बार। उसके बाद गाइस आप कुछ इस तरह लास्ट तरफ आइएगा, आने के बाद दोस्तों आपको जो प्लस का मार्क है इसी वाले प्लस का मार्क में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आप अपने कुछ इस तरह छोटा करके आप यहाँ पर जमीन पर मिला दीजिएगा। कुछ इस तरह से जितना हो सके दोस्तों आप अपने वीडियो को कुछ इस तरह से छोटा कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से छोटा कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आप घटा लीजिएगा। जिस तरह से गाइस मैं घटा रहा हूँ आप भी कुछ अपने वीडियो में कुछ इस तरह से आप घटा लीजिएगा। घटा लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में गाइस कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर आपको आना होगा। इस जगह पर आने के बाद गाइस आप इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैं जो व्हाइट कलर का दोस्तों फ्लैश का जो PNG है उसको देके रखा है, आपको दोस्तों उस वाले PNG को आपको डाउनलोड कर लेना होगा।
डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस PNG को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको इसी वाला लेयर में क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाला मीडिया पे सिलेक्शन करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आपको व्हाइट फ्लैश के वीडियो को आपको सिलेक्शन व्हाइट फ्लैश के PNG को आपको सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा व्हाइट कलर का फ्लैश है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों को क्या करना है, जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन का लास्ट में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाला ब्लेंडिंग में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पे स्किन पे आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्किन पे सिलेक्शन करेंगे आपका दोस्तों जो व्हाइट कलर का फ्लैश यहाँ पे कुछ इस तरह से गाइस दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको छोटा करना होगा और यहाँ पर गाइस आप जहाँ पर है उस जगह पर आप लाइएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको इस जगह पर लाना होगा। और इसका ड्यूरेशन का दोस्तों कुछ इस तरह से आपको कम कर दीजिएगा इतना दूर तक। रख लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में गाइस अभी फिर से आपको इसी वाला वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर गाइस मैंने स्नेक का दोस्तों जो ग्रीन स्किन का वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाला वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको इसी वाला लेयर में आपको क्लिक करना होगा, मीडिया पे सिलेक्शन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको स्नेक का जो वीडियो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने स्नेक का ग्रीन स्किन का वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो ग्रीन स्किन दिख रहा है इसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए गाइस आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पे इनेबल पर आपको क्लिक कर देना होगा। और गाइस आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप भी कुछ इसी तरह से थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उसी वाले फाइल में कुछ से क्लिक करना होगा और इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको छोटा कीजिएगा। और यहाँ पर गाइस ये आपका जो व्हाइट फ्लैश है इसके ऊपर गाइस कुछ इस तरह से आप लगेगा छोटा कर दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो की दिख रहा होगा इस वाले की में क्लिक करना है। और गाइस थोड़ा सा कुछ इस तरह से अपना इतना दूर तक आइएगा, आने के बाद ये जो प्लस का मार्क है इस वाले प्लस मार्क में क्लिक कीजिएगा। और गाइस आप अपना जो स्नेक है उसको कुछ इस तरह से बड़ा कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का दोस्तों जो ऑडियो है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अब दोस्तों अपना वीडियो अगर आप शुरू से प्ले करके देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो ये शेयर का ऑप्शन है इस वाले शेयर में आपको क्लिक करना है और आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो आपको पता है आपको क्या करना होगा। अब दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।